ज्ञान दिया। हाथ जोड़े सब सूनी को करने लगी प्रणाम, चीर फेंक कर सामने बोले यो घमसाम। जब भगवान सूर्य भगवान के हाथ जोड़ी गोपिकाएं, भगवान श्याम सुंदर ने सबके वस्त्र दे दिया, काये ले जाता। सब सब 101 मुद्रा हमारे भैया सोनूपाल जी की तरफ से दान है। विधा पुरुषी परमात्मा सदा सुखी संपन्न रखे, जीवन सदा मंगलमय हो, यही विनती है भगवान से। तो कहने लगी गोपिकाएं सभी श्याम सुंदर, हम लोग अभी ज्ञान से अधूरी हैं, ऐसा करो हम तो प्रेम की पुजारिन हैं। भगवान से कहा हम तो आपके प्रेम में, आपके प्रेम के बंधन में बंधी हूं, हम तो प्रेम की पुजारिन हैं, उसको ही सारे जानती हूं। पानी पिया हम तो प्रेम की पुजारन है, उसको ये सारे मानते हैं, लोक की यहाँ पहचान नहीं, केवल तुमको पहचानते हैं। करुणा निधि जिस भांति से पूजी है ये आस, उसी भांति से एक दिन की दे रहस्य विलास। जिस प्रकार से आज हम लोगों को ज्ञान दिया है, ऐसे ही एक दिन आप रहस्य लीला में सबको ज्ञान मिलना चाहिए। भक्तों बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ आओ भाई, एक पद है और उसके बाद में रहस्य लीला की कथा दोपहर की मीटिंग में भक्त हमारे सुनेंगे। सौहर की मांग है, क्योंकि अब कन्हैया सौहर वंदरा इत्यादि खूब गाए गए हैं। हाँ, जिस समय बंधुओं भाभी के पुत्र का जन्म हुआ,
ननंद आज भाभी सुपैती भाभी हे नंदी कब से उठावे लागू सगोना नंदी कब से उठावे लागू Para
करते से भाभी मोरी कंगना चाहायो, करते से भाभी मोरी कंगना चाहायो, करते से भाभी मोरी कंगना चाहायो। हे नन देव उठ क्यों, हे नन देव उठ क्यों करत पहिला रना, नन देव उठ क्यों करत भैया अनिरुद्ध यादव जी की तरफ से, हमारे राम मिलन मामा जी के पोता की तरफ से 51 मुद्रा और 50 मुद्रा राम मिलन मामा जी की तरफ से दान है। परमात्मा सदा सुखी संपन्न रखे, परिवार हमेशा मंगलमय रहे, यही विनती है भगवान से। हाँ तो इधर जिस समय वो कंगना पाया ननंद, बड़ी मंगल हो गई कंगना पहिरी ननंदी सुरजा मनावे, कंगना पहिरी ननंदी सुरजा मनावे, कंगना पहिरी ननंदी सुरजा मनावे, कंगना पहिरी ननंदी सुरजा मनावे। हे सूरज देव सूरज दे दो पीरन की कोललना, सूरज दे दो पीरन की कोललना, सूरज दे दो पीरन की कोललना, सूरज दे दो पीरन की कोललना। पीरन की कोललना, पीरन की कोललना, हे भाभी हे ननंदी अब से सच्चिदानंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं को ज्ञान दिया। गोपिकाएं कहने लगी भगवान रहस्य लीला में देखना चाहती हैं, उस रहस्य लीला में हम सब लोग हैं भाग लूंगी। हाँ सब कहीं पर खबर पहुंच गई कि कल रहस लीला होगा और काल रहस लीला की कथा भी यहां चलेगी। रहस लीला भोले बाबा को जब मालूम हुआ, भवानी को भी मालूम हो कि काल रहस लीला हुई है, तो शंकर भगवान आदेश से भवानी से विनती करने लगे। भोले बाबा विनती करने लगे क्या? हाँ बोले कौना से शंकर जी एक दिन, सुनो कल रहस लीला को जाओ लीला भवानी। हाँ लेकिन वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर कहा वहां पर जनाना का काम है और आपका कोई काम नहीं भोलेनाथ। बोले कौरा से शंकर जी दिल, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले कौरा से शंकर जी शंकर जी एक दिन, प्यारी हम
वृंदावन की सुहानी गली में देख के रास लीला चले, वृंदावन की सुहानी गली में देख के रास लीला चले, शंकर भगवान की। भोले बाबा कहने लगे कि कल भवानी वहाँ रहस्य लीला में जाओगे ना? हाँ हाँ, तुम्हारा हुआ कोई काम नहीं, कहा हम भी जनाना बनूंगा। कहा मैं भी जनाना बन करके वहाँ रहस्य लीला में भाग लूंगा। भोले बाबा और भवानी से बातचीत हो रही है, लेकिन भगवान से कोई राज छुप नहीं सकता ज्यादा। आओ एक नई कथा। एक बार की बात है, इस कथा को इस जगह पे स्टॉप दे रहे हैं। महाभारत में आपने देखा होगा द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी को पांच पति कैसे मिले, क्या कारण है, ये बस थोड़ी कथा है। पांच पति कैसे मिले? हाँ, द्रौपदी सुता का नाम है, द्रौपदी कहे पुकार, सुता सयानी जब भरी एक दिन दिन विचार। मेरे बंधु, राजा द्रौपदी के घर में बिटिया सहनी हो गई, उस बिटिया का नाम है द्रौपदी। भक्तों, द्रौपदी एक दिन की बात है, विवाह कैसे हुआ द्रौपदी का? हाँ, द्रौपदी एक दिन क्या किया, द्रौपदी सुतालय संघ सहे, द्रौपदी सुतालय संघ सहेली नहीं जहाँ खिली चमेली, मेरे बंधु द्रौपदी ने अपने सहेलियों को साथ में लिया, एक सरोवर के पास पहुंचे। बंधु, तेही सरोवर सुंदर बहे मीरा, तेही सरोवर सुंदर बहे मीरा, और लक्ष्य स्नान की मतन चीरा, उस सरोवर में स्नान करने लगे। वहां पर हुआ क्या, मछली एक डंक दहमारा, मछली एक डंक दहमारा, पैर से बही पैर से बही रुधिर के धारा, 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 पैर
द्रौपदी के पांव में डंक मारा, खून बहने लगे, द्रौपदी के पैर से खून बहने लगा। विचार किया सहेलियों ने, कोई जीव विषधारी जीव तो नहीं है जो डस लिया वो, क्या किया उसी समय साड़ी उठाई, सहेलियों ने पकड़ लिया इधर उधर, मेरे बंधु क्या हुआ, सखिया तब बिचारी बहकीना अचीर जाल करी पकड़े नीना, इधर उधर धोती पकड़ लिया दौड़ाई और उस मछली को पकड़ लिया, समझना कथा को, मछली को पकड़ लिया जिस समय, तो मछली को पकड़ करके लाए राजा द्रौपदी के पास, जिस समय द्रौपदी के पास द्रौपदी ले करके उस मछली को लाई, तो राजा ने सुना ये हाल, तो मछुआ को बुलाया और पहचान कराया कि देखे देखो भैया ये मछली नर है या नारी, जो हमारी बिटिया के पाँव में डंक मारी। हाँ, क्या किया मछुआ आया पहचान लगाया, जिस समय पहचान लगाया और कहा भैया नर नारी पहचाने लगा, राजन ये मछली नर है, कहा अगर ये नर है तो इसने हमारी बिटिया को कुदृष्ट देखा, क्या किया मेरे बंधु नयन कुदृष्ट पिलो जो, अरे कहे नयन जो बान तेहि संग सुता पिवाही हो, करी हो कल्याण। राजा द्रौपदी कहने लगे देखे अगर मछली मिल जाए तो शायद बहुत बढ़िया होती है, और फिर बिहार का समय, तो राजा ने क्या किया, राजा द्रौपद ने उस मछली को बांस में टंगाया, नीचे तेल रखाया और कहा इस तेल में मछली की प्रतिमा को देखे, और जो कोई मछली की आंख में बाण मार देगा उसी के साथ में अपनी बिटिया द्रौपदी का विवाह करूंगा। भक्तों, राजा द्रौपदी ने ढिंढोरा पिटवा दिया, एक से एक राजा वहां उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, रचा स्वयं मन ब्याह सुभय अरे तह पर धूप बहुत पेढ़ी रहे, एक से एक राजा है वहां पर, लेकिन कोई मछली के आंख को भेद नहीं पाया। उसी समय अर्जुन जी आए,
गांडीव धनुष उठाया, गांडीव धनुष उठा करके और गुरु की विद्या को याद किया। अर्जुन के पास चाक्षुष विद्या थी, जिस समय लगाया निशाना तेल में देख रहे हैं, बाण चला रहे हैं ऊपर, अर्जुन महाराज जी क्या किया, चाक्षुष विद्या अर्जुन याद किया और वो बाण जाकर के मछली के हाथ में लगा। आज राजा द्रौपदी बहुत खुश हुए, अपनी बिटिया द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ में कर दिया। हुआ क्या मेरे बंधु, यहां पांडव ने द्रौपदी को अर्जुन द्रौपदी को लेकर के आए जिस समय माता कुंती के पास, क्या हुआ, मैया को आवाज दिया, माँ तुम्हें ही तलाए वस्तु एक मैया देखो आए। उसी समय माता भोजन रही बनाए, मैया कुंती भोजन बना रही थी, विचार किया मेरे बेटा भूखे आते होंगे, तो कुंती माता बाहर नहीं निकली और कहा बेटा आज जो वस्त्र तुम लाए हो तो पांचों भाइयों का हक बराबर है। कहा पांचों लोगों का हक बराबर है। अर्जुन ने कहा माँ एक जिन्स नहीं प्राणी है। तो माता कुंती ने कहा कि मेरे मुख से जो निकल गया सो निकल गया, मेरे भाई हुआ क्या। इधर जो समय इतना कहा जही विधि जी द्रौपदी लाए, जही विधि जी द्रौपदी लाई सब अर्जुन ने कथा सुनाई। एक स्त्री और पांच भैया, सबके लिए मैया ने कहा हिस्सा सबका बराबर है। कहा ये कैसे कार्य चलेगा भाई, क्या हुआ। इसी चिंता में पांचों पांडव बैठे हुए थे तब तक नारद जी आए। नारद भगवान आए और वहां पर बताया कहानी, भैया सोए बीच नारद बहा तब तक पहुंचे आए, पांच सात
हाथ के पर्श में पक्ष दूसरे जाए। बंटवारा कर दिया। देखे द्रौपदी 5 वर्ष या 7 वर्ष धर्मराज के पास रहे। उसके बाद में भीम, भीम के बाद में अर्जुन, फिर सहदेव, नकुल। ये पांचों का हिस्सा 7-7 वर्ष का फर्क बता दिया। भैया हुआ क्या, अब तो बड़े चक्कर में पड़े। धर्मराज जी के पास द्रौपदी है। भैया प्रथम पड़े से भाग लगाए, प्रथम पड़े से भाग लगाई और तिहिले छूट रहो बतलाए। अगर कोई भी व्यक्ति द्रौपदी के बाहर पहुंच गया तो वो फिर 11 वर्ष 12 वर्ष वनवास को जाएगा। ये बताया। अब कोई धर्मराज के पास वहां जाता नहीं है। द्रौपदी के पास 5-7 वर्ष 5 वर्ष व्यतीत हो रहे धीरे धीरे। उसके बाद में अब भीम सोचते हैं कि भैया के पास तो द्रौपदी को 5 वर्ष हो चुके हैं, थोड़ा समय रह गया, लेकिन अब हम देखे हमारा नंबर आ रहा है। दादा हमारे बड़े भैया द्रौपदी के पास कैसे रहते हैं। बंधु भीम जी गए झरोके से झांकने लगे कि देखे हमारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर कैसे द्रौपदी के साथ में भाव करते हैं, कैसा भाव है, कैसे रहते हैं। ये सब विचार लगाया। देखा दादा के ही विधि रहे, हमारे भैया बड़े भैया द्रौपदी के पास कैसे रहते हैं। तो देखा क्या, पड़ी पलंग जा गई ना सोवे, पड़ी पलंग जा गई ना सोवे, और धर्म रात के चरण दबावे। देखा क्या, द्रौपदी पलिंगा पर लेटी है और धर्मराज बड़े भैया द्रौपदी के पांव दाबे रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। भीम ने देखा हवा खसक गई। भीम सोचने लगे भगवान भैया तो निपट गए धीरे धीरे, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है जो हम नारी के पांव दबाएंगे। हाँ जो नारी के अरे पांव दबावे और क्षत्रिय धर्म अवश्य बिन सावे। भीम जी चिंतित हो गए। हुआ क्या,
चिंताग्रस्त भीम बलवाना, चिंताग्रस्त भीम से चिंतित तो हो गए। भीम के लग गया रोग, 10 रोटी खाते रहन, अब 2 रोटी खात, सुखाए के लकड़ी हूं जाए। भक्तो माता को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा भीम इतना तंदुरुस्त था, आखिर कौन सा रोग लग गया मेरे बेटा के शरीर में। हाँ, निर्बल होती अरे भीम तनु जाई, और लखी कुंती यस वचन सुनाई। कुंती रोने लगी भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण के पास गई और कहने लगी, मोहन तब तक आए कृष्ण, कुंती कहा सुनाए, भीम मेरा रोगी भया दिन प्रतिदिन दुर्गाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुभाष पाल भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा दान में है, भगवान हमारे भैया को सदा सुखी संपन्न रखे। तो कोई ऐसी दवा बताओ श्याम सुंदर जिससे हमारे बेटा का रोग दूर हो जाए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे माता कुंती से, कहा बुआ जाओ भीम से बता देना। हाँ, कहा कृष्ण मेरे ढिंगाया में, मेरे और सब हम का रोग नसावे, सब हम का रोग तब तक भीम तुझ आए। इधर भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी को चले गए। हाँ सुन, 100 मुद्रा हमारे सुशील भैया जी की तरफ से, और साथ में फल है, दान है, पंकज भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा है दान में। भैया सुना है ना, हेलो हाँ, और 50 मुद्रा हमारे राम कुमार मामा जी की तरफ से दान है। परमात्मा हमेशा सुखी संपन्न रखे हमारे सभी भैया लोगों को। हाँ, तो भीम जी आए, मैया कुंती ने कहा ए भीम जाओ, तुम्हें भगवान कृष्ण बुलाया है। कृष्ण भगवान का जब नाम लिया तो भीम जी महाराज कृष्ण भगवान के पास गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनो तुमको आधी रात के समय में
इस हस्तियापुर के मैदान में एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष पर भी चढ़ करके बैठो और तुम्हारा सारा रोग दूर हो जाएगा। भीम जी आए, 12 बजे रात में पीपल पर चढ़ करके बैठ गए। ये समय है तो देखा क्या, आधी रात जब बीती कि भाई उसी समय एक मेहतर आया और वो मेहतर वहां पर साफ सुथरा करने लगा, जगह सफाई करने लगा। वाह, उसी समय मेरे बंधु हुआ क्या, एक दीप्ति सिंहासन आवा, एक दीप्ति सिंहासन आवा, ही छोटे से भाग बनावा, एक दीप्ति सिंहासन लग गया वहां पर आसन बना, और उसके बाद में सब छोटे छोटे आसन उसी पीपल के नीचे। देखा क्या मेरे बंधु, वहां पर आए ब्रह्मा विष्णु महेश, आए ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाल जिगपाल सुरेशा, आए ब्रह्मा इधर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, सब छोटे छोटे सिंहासन पर बैठ गए। हुआ क्या मेरे बंधु, आकर बैठे सब वहां निज निज को स्थान, तब तक आई द्रौपदी सब उठ पंदे, तब तक जो दिव्य सिंहासन बहुत बड़ा बना था द्रौपदी आई और उस सिंहासन पर बैठी। सब देवता वहां पर खड़े होकर के मैया माता द्रौपदी को वंदना करने लगे, विनती कर रहे हैं, नमस्ते प्रणाम किया। भैया हुआ क्या, सबसे पूछा भगवान शंकर से, कहा द्रौपदी ने, महाराज तुम्हारे लिए कुछ काम दिया गया था, आपका कार्य पूरा हो गया? सबने कहा हाँ माँ। और दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण सबसे कहा, लेकिन महाकाल बैठा था, महाकाल से कहा ए भैया तुमको हमने 7 घड़ा खून के भरने के लिए कहा था, वे भर लिया है तुमने या नहीं? द्रौपदी ने कहा तो महाकाल हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा माता अब भीम पीपल पर चढ़े बैठे देख रहे सुन रहे हैं द्रौपदी से बातचीत हो रही सभी देवताओं से। महाकाल कहने लगा मां घड़ा भरे हैं छाया भी, कहा 6 घड़ा खून से भर चुके हैं, 7वां घड़ा खाली है। कहा वो क्यों, घड़ा भरे हैं 6 अभी, मात बिनय सुन ले हाय मिले भीम जो तारो कहिए, अब सतवा भरे मैया द्रौपदी से महाकाल कहने लगा 6 घड़ा हमने खून से भर लिया है,
सातवां घड़ा खाली पड़ा है, ये घड़ा सातवां भीम के खून से भरा जाएगा। और भीम पीपर बैठे सुने, भीम की हवा खसकने लगी दादा, भीम की धुकधुकी चालू हो गई। हुआ क्या मेरे बंधु, इधर जिस समय सुने भीम पीपल पर बैठे, सुने भीम पीपल पर बैठे, शंका तुरंत हृदय मा बैठे, तो नीचे महाकाल विराजमान है, अगर महाकाल हमें पा जाएगा तो फौरन मार करके और सातवां घड़ा भर लेगा मेरे रक्त से। अब दुविधा में फंसे भीम, आखिर हम कहां जाएं? जो कहा था कि मैं द्रौपदी के चरणों को नहीं गहूंगा, भीम ने कहा था भैया सोचे भीम शरण के ही जावे, सोचे भीम शरण के ही जावे, कैसे आपन प्राण बचावे, सोचे भीम महाराज सोचने लगे कहां जाऊं कैसे बचूं, चलो द्रौपदी के सिवा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। भीम सोचने लगे कि मैं ऐसा निशाना लगाऊं जो द्रौपदी के पैरों पर गिर जाए। देखा समझ में आई गई बात कि द्रौपदी कौन है। भीम ने सोचा कि ऐसा निशाना लगाओ जो द्रौपदी के पैरों पर जाकर के गिरो ताकि हमें क्षमा कर दे। हाँ करी द्रौपदी के चरण निशाना, द्रौपदी के चरण निशाना, तन से कूदी पर ओ बलवाना, तन के चरण निशाना, तन से कूदी पर ओ बलवाना, तन के चरण निशाना, तन से कूदी पर ओ निशाना लगाया और द्रौपदी के पैरों पर झड़ाम सिकी, जैसे पैरों पे द्रौपदी की झड़ाम से गिरे तो हुआ क्या, देखा आंखें खुली तो हुआ कोई नाई, ना ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न पीपल का पेड़ और ना ही द्रौपदी। बाबा हुआ क्या मेरे भाई, गिरे तो गांठी वांठी समय फूट गए। भैया भूमि गिरते ही अरे कछु न दिखाई, अब देखा दादा की चतुराई, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर समझते थे कि द्रौपदी आदि शक्ति है,
इसलिए आदि शक्ति का सम्मान किया था, धर्मराज इसलिए सेवा करते थे। तो इधर भीम को उसी जगह जगह पर ज्ञान मिल गया। क्या करते हैं भाई? अरे तब से भीम सदा करते इच्छा पूरी, रहे सदा नियमित से एक एक से तोरे। इस प्रकार से द्रौपदी आदि शक्ति के विषय में कथा सुना। भगवान कृष्ण ने सबको बताया कि द्रौपदी आदि शक्ति कैसी है। भीम जी महाराज जी उसी समय से हाँ आओ एक भजन की मांग किया है हमारे मामा जी ने। बस गाड़ी का विराम होगा। कोयल बिन बगिया सोनी लागे, 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 सोनी लागे सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे। भाई भतीजा बिन मैया सोना, भाई भतीजा बिन मैया सोना, पिरन बिन रखिया सोनी लागे, 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 सोनी लागे की सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे। सौ मुद्रा हमारे राममिलन मामा जी की तरफ से दान है और सौ मुद्रा नाश्ता खाते दे रहे हैं। कहते हैं कि भूखे हो तो कुछ खा पी लो। हाँ हाँ, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, 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 सास ससुर बिन ससुरा सोना, सास ससुर बिन ससुरा सोना, सास ससुर बिन ससुरा सोना, सदन बिन सदन बिन सजिया सोनी लागे, सदन बिन सजिया सोनी लागे, सदन बिन सजिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, सोनी लागे की सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया।
कबीर सुनो भाई सब जने आते कबीर सुनो भाई सब जने कबीर सुनो भाई सब जने भजन बिने रहो भजन बिने जिभिया सुनी लागे भजन बिने जिभिया सुनी लागे सच्चिदानंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की दो बार भगवान का नाम आरती पूजन हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे 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 रामा हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे कृष्ण रामा रामा हरे 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 रामा हरे कृष्ण रूसे निकला शंकर के जन आए हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे ओम अपवित्रो पावित्रो सर्वाय शांतु प्रिया या पुंडरीकाक्षा ब्रह्मांत्रः शुचिः आयुधानि